नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ हितू सिंह इस समय उपस्थित हूँ एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मौत, ये खबर यूपी के जिला पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बंगाली कॉलोनी में दो लोगों के लेन देन के बीच तीसरे व्यक्ति द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला पीलीभीत की न्यूरिया बंगाली कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी के ही रहने वाले 35 वर्षीय गौतम मंडल ने अपने पड़ोसी प्रभास से 100 रुपए उधार लिए थे। काफी दिन बीत जाने पर जब गौतम ने रुपया वापस नहीं किया तो प्रभास द्वारा कई बार तगादा किया गया। गौतम प्रभास को 100 रुपए देने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो रास्ते में माधव और किशोर ने उसे घेर लिया और गौतम के हाथ से 100 रुपए छीन लिए और बोला, इन रुपये से मैं दारू पीऊंगा। विरोध करने पर उसने गौतम की पिटाई कर दी और उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे गौतम के काफी चोट लगी। गंभीर हालत में गौतम को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे राममूर्ति अस्पताल बरेली में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बरेली पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया। मृतक गौतम अपने पीछे 3 पुत्र, पत्नी, 2 बहन व मां को रोता बिलखता छोड़ गया। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। मृतक के परिजनों ने सरकार से मृतक के कातिलों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई है। इसी मुद्दे पर वहां के कुछ लोगों से बातचीत की गई। आइए देखते हैं पीलीभीत के न्यूरिया से मोबिन खान की रिपोर्ट। मैटर है भाई साहब, भाई साहब, मेरा नाम अपूर्व मंडल और मैं गौतम के बड़े जीजा हूँ। मैं पूरनपुर के रहने वाला हूँ। शनिवार के रात को पता चला, करीब 9 बजे के समय गौतम को पड़ोस के माधव सनप फनी मंडल और उनके ही छोटे भाई किशोर, जिन्होंने गौतम को बहुत बुरी तरह मारा, मतलब मर्डर की इरादा से मार दिया उनको। इसी से आखिर वो तो मर भी गए। तो गांव में मैं आया, सुबह आया, आके पता चला गांव के सारे लोग बहुत बदनामी कर रहे थे उस परिवार का, परिवार ही गलत है। तो मैं चाहता हूँ कप्तान साहब से और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस टाइप के गलत लोग अगर समझ में रहे, इसके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई ना हो तो ये समाज में और बहुत सारे इसी तरह परिवार को बर्बाद कर देंगे। मैं विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ योगी जी से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इससे पहले हमारे ससुर जी करीब 2.5 साल पहले उनके भी मृत्यु हो चुके हैं और ये एकमात्र सहारा था गौतम, उसका भी ये इसी तरह मौत हो गए। हॉस्पिटल में गए थे, राममूर्ति में, डिस्ट्रिक्ट में भी गए थे। तो अब इनके परिवार में हमारे सास और उनके गौतम की बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़के, जो बड़े लड़के करीब 12 साल के हैं और 2 साल के डिस्ट्रिक्ट में 9 साल 8 साल, इस तरह उम्र है। ऐसे में ये परिवार में खवाने लायक भी कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसहारा हो गए, ना इनका जमीन कुछ है। इसलिए मुझे कप्तान साहब से, डीएम साहब से, योगी जी से, जो भी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि इनके परिवार को सेफ्टी भी चाहिए, भविष्य में इस तरह के अनहोनी और दोबारा ना हो पाए। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनको थोड़ा हेल्प करे। हो गया था, और आप क्या चाहती हैं बताइए। नमस्ते, मैं गुड़िया कॉलोनी में शादी हुई है, मैं गौतम मंडल की बहन हूँ और ये गौतम मंडल को शनिवार को रात 9:30 बजे मेरे भाई गौतम मंडल को माधव और किशोर ने, फनी, उसके पापा का नाम फनी मंडल है, उसने बुरी तरीके से उसको इतना मार मारा कि अपने जीवन से हाथ धो डाला। फिर रात को तो वो वहाँ से घर लेके आए, फिर सुबह ले गए स्वास्थ्य केंद्र में से, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट से रेफर करवाया। फिर हम लोग लेडीज़ थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम वहाँ से भौजीपुरा लेके गए। भौजीपुरा 9 दिन तक एडमिट रहे, हम बहुत बचाने की कोशिश करें मगर वो बचे नहीं। मुझे, मेरे भाई के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई भाई नहीं है, ना मेरे पापा है, एक माँ है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका और उस रात क्या हुआ था बताइए। सर, मेरा नाम प्रवास मंडल है, मेरा पिताजी का नाम परिवहन मंडल, मैं न्यूरिया कॉलोनी का रहने वाला हूँ। तो शनिवार के रात के 8 बज रहा था, तो मुझे गौतम से 100 रुपये लेने थे, तो मैं लेने के लिए आया तो देखा माधव और किशोर उनको बुरी तरह से पीट रहा था, पीट के लेटा दिया पूरा। जब तक उसका बेहोश नहीं हुआ तब तक वो मारता ही रहा, तो मैं बीच में एक बार छोड़ा नहीं गया, तो मुझे धक्का देके वहां से हटा दिया। क्या चाहती हो आप? मैं गौतम मंडल की बीवी हूँ, मेरे
बिल्कुल गुजर गए, 2.5 साल हो गए। और मेरे घर वाला था मेरा पति, वो अपने परिवार को कमा के खिलाता था सबको, उसको मार डाला किसी ने मेरे गांव के एक मंडल ने, किशोर मंडल ने। अब मैं क्या करूं, कैसे जियो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।